नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो ज़बरदस्त एक्शन में है। जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं, जिस तरह से ड्रग्स पकड़ी जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि किसी भी तस्कर को या फिर ड्रग पेडलर को बख्शा नहीं जाएगा। बारामूला पुलिस को आज उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब उसने बकायदा एक फोटो जर्नलिस्ट को 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा। हालांकि ये बहुत चौंकाने वाली एक खबर है कि मीडिया का एक व्यक्ति जो मीडिया में काम करता है, फोटो जर्नलिस्ट है, और वो इस तरह के यानी कि नशे के कारोबार में वो शामिल है। हालांकि वो कारोबार करता है या फिर खुद उसका सेवन करता है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई और जिस तरह से उसे हिरासत में लिया, वो ये बता रहा है कि नशा जो है वो जो मादक पदार्थ है वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट है। हालांकि ये भी साफ़ हो चुका है कि नार्को टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार नार्कोटिज़म को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उसको अमल में लाने के लिए कोशिश कर रहा है, यानी कि पूरी जो जनरेशन है, हमारी युवा जनरेशन है, उसको इसकी जब में लाना चाहता है। इसीलिए सीमा पार से पाकिस्तान हमेशा ये साजिश करता आया और कर रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो सतर्क है। अब बारामूला पुलिस ने किस तरह से इसको गिरफ्तार किया, ये इनायत कयूम है और इसके पिता का नाम जो है वो करामत कयूम है और पिता भी जो है वो बारामूला जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन है। आप सोचिए कि मीडिया के ये बंदे जो हैं वो किस तरह से इस नशे को लेकर, इस नशे के कारोबार में जो हैं वो शामिल है। और पुलिस ने जब इनायत कयूम को हिरासत में लिया तो उसके कब्ज़े से, उसके पास से 12 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा जो पदार्थ है वो उसके वहाँ पे बरामद किया। और ये मैं आपको बता दूँ, ये फ़ोटो जर्नलिस्ट है और इसके पिता जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कयामत क्यूम जो है वो बकायदा बारामूला जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन। तो क्या ये कहा जाए कि अब पत्रकार भी नशे का कारोबार कर रहे हैं, पत्रकारिता की आड़ में इस धंधे को अंजाम दिया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और एक जांच का विषय है कि क्या ये जो लड़का है जिसका नाम इनायत है, क्या ये अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल कर रहा था? क्या ये फ़ोटो जर्नलिस्ट का फ़ायदा ले रहा था, क्योंकि ये खुद भी एक फ़ोटो जर्नलिस्ट है और SNS सुनने में आया, कोई SNS न्यूज़ पोर्टल है इन्होंने खोला हुआ है, क्या उसकी आड़ में इस नशे के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है? सोचिए आप। पहले तो हमने ये सुना था और ख़बरें भी आई थी और पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था कि किस तरह से मीडिया की आड़ में टेररिस्ट जो हैं वो इस पेशे में आ गए और किस तरह से उन्होंने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। और जब उन आतंकी को पकड़ा तो पता चला कि ये तो वो निकले, क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट निकले, और अब नशे का कारोबार इस पेशे की आड़ में किया जा रहा है। वहीं सूत्रों की अगर हम माने तो जो कयामत है, जो कयामत क्यूम है, ये एक सरेंडर मिलिटेंट रह चुका है, ये ऐसी खबर आ रही है। हालांकि हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि क्या उसका पास क्या था, लेकिन जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सरेंडर मिलिटेंट है, मिलिटेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, फिर उसने सरेंडर किया। आप याद कीजिए कि 90 के दौर में किस तरह से जो लोग थे वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए थे और जब पुलिस ने उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की, उनको ढेर करना शुरू किया, तो फिर उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया था। तो ये सरेंडर मिलिटेंट बताया जा रहा है इसके पिता, ठीक है, जो करामत क्यूम है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो सरेंडर मिलिटेंट हैं वो इस पेशे की आड़ में सीमा पार से जो नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं? क्या इसकी जांच अब नहीं होनी चाहिए कि सरेंडर मिलिटेंट का बेटा जो है वो इस नशे के कारोबार में पकड़ा जाता है, 12 ग्राम के करीब उससे ब्राउन शुगर जो है
वो पकड़ी जाती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ये नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मादक पदार्थ जो है वो उसके कब्जे से मिला और ये मादक पदार्थ जो है वो जम्मू कश्मीर की युवा जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान से बाकायदा इस नार्कोटिज़म को बढ़ाया जा रहा है और अब ये जांच का विषय है कि ये सरेंडर जो मिलिटेंट हैं कहीं इस कारोबार को अंजाम तो नहीं दे रहे। और दूसरा ये है कि अब हर पत्रकार, खासकर घाटी का पत्रकार जो है उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास को देखिए, उसके परिवार के सदस्यों की जांच होनी चाहिए कि कहीं पास में आतंकियों के साथ उनके लिंक तो नहीं थे, कहीं वो सरेंडर मिलिटेंट तो नहीं है। क्योंकि देखने को मिला है कि कई ऐसी वारदातें जो नई नई हुई हैं वो सरेंडर मिलिटेंट के ज़रिए ही दी गई हैं, यानी कि वो दोबारा इस उसमें आ गए हैं, आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए हैं, आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं इसकी आड़ में ये इस नशे को और ज़्यादा तो नहीं आगे बढ़ा रहे। और जिस DSP ने बाकायदा नाका लगाया था उनका नाम मैं बता दूं, सज्जाद नाम है उनका, सज्जाद बुखारी हैं वो, हेडक्वार्टर DSP हैं। और दाद देनी पड़ेगी इनकी टीम को, इनकी टीम ने बाकायदा नाका लगाया। हालांकि ये जो इनायत क्यूम है इसने बाकायदा भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ लिया, चेस किया और इसको हिरासत में ले लिया, इसका मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। लेकिन सवाल फिर वही कि ये जो मीडिया की आड़ में इस तरह के धंधों को अंजाम दिया जा रहा है गैरकानूनी तरीके से, इस तरह के नशों को आगे बढ़ाया जा रहा है या आतंकी गतिविधियों को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, इन पर कब लगाम लगाएगी ये पुलिस, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।